दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर सिंगल फेज 220 वोल्टेज है और टू फेज 440 वोल्टेज है तो दोस्तों थ्री फेज 660 वोल्टेज क्यों नहीं होता है। तो दोस्तों इसके पीछे एक लॉजिक है जो आज हम समझेंगे। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है, अगर हमारा सिंगल फेज 220 वोल्टेज है और डबल फेज 440 है तो थ्री फेज 660 वोल्टेज क्यों नहीं है। तो दोस्तों इसके पीछे एक लॉजिक है जो बड़ी आसानी से आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बिना देर करे फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों, जो हमारा एसी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें टोटल तीन फेस होते हैं और तीन फेसों का अलग अलग नाम होता है, जैसे आर वाई बी आपने जरूर सुना होगा, और एक होता है दोस्तों हमारा न्यूट्रल का वायर। दोस्तों जब हम सिंगल फेस की बात करते हैं, जो मैंने बताया है 220 वोल्टेज, तो दोस्तों जब हम अपने सिंगल फेस में, यानी कि हमारा एक फेस कोई भी आर वाई बी, इनमें से कोई सा एक फेस ले लो और एक ले लो न्यूट्रल, तो दोस्तों उनके बीच वोल्टेज है 220 वोल्टेज। तो कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हमारे अगर सिंगल फेज में 220 वोल्टेज है तो अब इस कंडीशन में बताओ, अगर मेरे किसी एक फेज यानी कि बी में और एन में 220 वोल्टेज है तो वाई बी और वाई में क्या फेस होगा। तो कई लोग सोचते हैं कि 220 प्लस 220 और दोस्तों हो गया 440। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कैलकुलेशन नहीं करते हैं हम। जब फेस की गणना करते हैं यानी कि फेस में वोल्टेज की गणना करते हैं यानी कि मापते हैं, तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन नहीं करते, ये पूरी तरीके से गलत है। वो कैसे दोस्तों, अगर 220 वोल्टेज है किसी एक फेस और न्यूट्रल के बीच में तो थ्री फेस में कितनी वोल्टेज होंगे, यानी कि हमारे कोई दो फेस के बीच में क्या वोल्टेज होंगे, या तो आर वाई के या वाई बी के या बी वाई या बी आर के बीच में, यानी कि कितने वोल्टेज होंगे। तो ये सिंपल है दोस्तों वोल्टेज हमारे दो तरह के होते हैं, एक होते हैं VL यानी कि लाइन वोल्टेज, वोल्टेज लाइन, लाइन के वोल्टेज, और एक होते हैं दोस्तों फेज वोल्टेज, वोल्टेज फेज, फेज वोल्टेज। दोस्तों दो तरह के वोल्टेज होते हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे आखिर फेस वोल्टेज क्या है और लाइन वोल्टेज क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दोस्तों देखो, जब हम किसी भी फेस और न्यूट्रल के बीच में जो हम मेजर करते हैं वोल्टेज, तो वो होते हैं हमारे फेस वोल्टेज। क्लियर दोस्तों, अगर हम किसी फेस टू फेस के बीच में जो वोल्टेज मेजर करेंगे तो वो हमारे लाइन वोल्टेज कहलाएंगे। दोस्तों इसके लिए अगर हमको हमारे पास फेस वोल्टेज थे कितने, 220 वोल्टेज कितने हैं दोस्तों हमारे फेस वोल्टेज, अब हम इसको इसकी मदद से हम लाइन वोल्टेज निकालेंगे, यानी कि हमारे दो फेस के बीच के वोल्टेज निकालेंगे कितने होते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सिंपल होता है, दोस्तों यहां पर लिखेंगे हम VL, VL इसका फॉर्मूला होता है यानी कि लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज इक्वल टू हमारा अंडर रूट 3 और इनटू और हमारे जो फेस वोल्टेज है, फेस वोल्टेज इनटू फेस वोल्टेज। दोस्तों ये इसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि जो भी हमारे फेस वोल्टेज है उसमें हम अंडर रूट 3 की गुना कर देंगे। ये दोस्तों ये जो अंडर रूट 3 है, ये जब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं ये हमारे फॉर्मूले में अवेलेबल है, यानी कि पहले से होता है फॉर्मूले में, हमारे थ्री फेस के फॉर्मूले में। तो दोस्तों अब हमारा क्या आ गया, VL यानी कि लाइन वोल्टेज, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं दोस्तों, लाइन वोल्टेज इक्वल टू अंडर रूट 3 का मान 1.732 और इनटू हमारा फेस वोल्टेज क्या था, 220 वोल्टेज। तो दोस्तों ये कितना आएगा, 381 के समथिंग आएगा, 381 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 331 वोल्टेज हमारे लाइन वोल्टेज कितने हुए दोस्तों, 381 वोल्टेज, सॉरी दोस्तों ये आया 381 वोल्टेज हुए हमारे कितने, लाइन वोल्टेज। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ दोस्तों। तो दोस्तों इसका भी मैं लॉजिक बताऊंगा आखिर ऐसा क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको समझेंगे, पहले इसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं उसके बाद ये क्लियर होगा। तो दोस्तों हमारी एसी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो एक वेव फॉर्म में चलती है, यानी कि दोस्तों हमारी डीसी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वो बिल्कुल एकदम सीधी लाइन में चलती है। आप जब डीसी की बात सुनोगे तो एक दो लाइन देखोगे कुछ इस तरीके से, यानी कि डीसी जो सप्लाई हमारी एक लाइन में चलती है सीधा, यानी कि वो दिशा नहीं बदलती और दोस्तों ना इस तरीके से वेव फॉर्म में चलती है। लेकिन हमारी एसी इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों वो वेव फॉर्म में चलती है कुछ इस तरीके से। यहां तक दोस्तों इसकी एक साइकिल हो गई, मैंने एक साइकिल बनाई है, जो एक साइकिल जो है ना, एक साइकिल, ये एक साइकिल क्या होगी दोस्तों, ये एक साइकिल यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी में कितनी 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एक सेकंड में इस तरह की, यानी कि यहां से यहां तक एक साइकिल है, जैसे ये हमारा आर फेस हो गया, वाई फेस हो गया, बी फेस हो गया, यानी तीनों फेस के लिए मैंने बनाई है साइकिल। तो दोस्तों एक सेकंड में ये 50 साइकिल चलेगी, ऐसी 50 साइकिल एक सेकंड में चलेगी, तब जाके हमारी कितनी होती है, 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। तो दोस्तों ये तो समझ गए आपके 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी क्यों होती है, हमारी एक साइकिल यानी कि एक सेकंड में 50 साइकिल चलती है, इसीलिए 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है हमारे
तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में क्यों बताने लगा। दोस्तों इसको बताकर ही मैं आगे क्लियर करूंगा कि आखिर मैंने इसको क्यों बताया। तो दोस्तों देखो, जब ये फेस यहां से चल रहा है, यानी कि जब स्टार्ट हो रहा है ये फेस यहां से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमारा दूसरा यहां से स्टार्ट हो रहा है, तीसरा यहां से, यानी कि इन तीनों के जो बीच में एंगल है ना, यानी कि इससे इसके बीच में एंगल और इससे इसके बीच में एंगल, वो कितना है दोस्तों, 120 डिग्री का एंगल है। इनके बीच में कितना है दोस्तों, 120 डिग्री का एंगल है। आप कुछ इसको इस तरीके से समझिए, जब दोस्तों आप फेस सिक्वेंस देखते हैं, फेस सिक्वेंस का जो डायग्राम देखते हैं, आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, यानी कि इस तरीके से कुछ देखने को मिलता है जब हम अपने फेस सीक्वेंस को देखते हैं। और दोस्तों ये जो एंगल की बात कर रहा था मैं, ये एंगल है 120 डिग्री का, इसके बीच में भी 120 डिग्री का है दोस्तों, और इसके बीच में भी 120 डिग्री का, और यहां पर भी 120 डिग्री का, और ये पॉइंट जो हो गया, ये पॉइंट हो गया हमारा न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया ये पॉइंट दोस्तों, ये वाला पॉइंट न्यूट्रल, ये हमारा आर फेस हो गया, ये वाई फेस या बी फेस, इस तरीके से फेस हो गए। तो दोस्तों जब इनको मेजर करते हैं, जब हम इनको मेजर करते हैं, अगर हम आर के बीच में और एन के बीच में जब हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो हम एक सीधी लाइन में मेजर कर रहे हैं ऐसे, यानी कि 90 डिग्री पे, यहाँ पे हम कितने 90 डिग्री पे, लेकिन जब हम इन दोनों के बीच में मेजर कर रहे हैं तो 120 डिग्री पे मेजर कर रहे हैं, 180 पे नहीं कर रहे, यानी कि 180 डिग्री पे नहीं कर रहे, यहां तो हम 90 डिग्री के बीच में कर रहे थे मेजर, लेकिन यहां पे कितने 120 पे, ना कि 180 पे। तो दोस्तों ये डबल होने का तो कोई मतलब ही नहीं वोल्टेज, जैसे मैंने अभी बताया था जो हमारे वोल्टेज थे, हमारे जो सिंगल फेस के वोल्टेज थे वो 220 वोल्टेज थे, हमारे सिंगल फेस के वोल्टेज दोस्तों। और हमें क्या निकालना था, हमें अपने लाइन वोल्टेज निकालने थे, यानी कि फेस टू फेस वोल्टेज। तो दोस्तों वहां पर डबल क्यों हो जाएगा, वहां पर एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, यानी कि अंडर रूट थ्री इंटू हमारे जो सिंगल फेस के वोल्टेज है 220, उसमें गुना कर दो तो वो आएंगे हमारे फेस टू फेस वोल्टेज। तो दोस्तों इसमें 120 डिग्री का एंगल होता है, इसी कारण हमारे थ्री फेस में 660 वोल्टेज नहीं होते हैं, क्योंकि दोस्तों हम जब वोल्टेज मेजर करते हैं तो हमेशा या तो हम फेस टू फेस मेजर करेंगे या फेस टू न्यूट्रल मेजर करेंगे। जैसे आर वाई और बी हमारे तीन फेस हो गए दोस्तों, और एक हो जाता है हमारा न्यूट्रल। जब भी हम वोल्टेज को मेजर करेंगे किसी दो के बीच में करेंगे, अगर हम आर से आर मेजर कर रहे हैं तो इसके बीच में 120 डिग्री का एंगल है, अगर हम आर से वाई कर रहे हैं तो 120 डिग्री का एंगल है, अगर बी से वाई कर रहे हैं 120 डिग्री का, यानी कि हम किसी को भी एक तीसरे से इनमें से दूसरे को दूसरे से करेंगे दोस्तों तो मेजर करेंगे तो 120 डिग्री का एंगल आता है, लेकिन जब हमारा न्यूट्रल हम किसी से भी करते हैं तो वहां कितना आता है 90 डिग्री का एंगल। तो दोस्तों इसीलिए जब हम मेजर करते हैं तो दो के बीच में मेजर करते हैं, जैसे आर के बीच में मेजर करेंगे, आर और बी के बीच में मेजर कर लो, या वाई या बी के बीच में मेजर कर लो, या आर या एन, यानी कि न्यूट्रल ले लो किसी एक के साथ में और किसी एक को फेस को ले लो। जैसे मैं मान लेता हूं अभी हमारा आर और एन के बीच में जो वोल्टेज है, आर हो गया हमारा फेस और एन हो गया हमारा निगेटिव, तो इनके बीच में वोल्टेज आ रहे हैं 240 वोल्टेज। वो दोस्तों अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर हमारे इन दो के बीच में 240 वोल्टेज आ रहे हैं तो आर और वाई के बीच में कितने वोल्टेज आने चाहिए। तो दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं जोड़ना है, कभी भी आपको ध्यान रखना है कि 240 इंटू 240 प्लस 240 हो गया 480 हो गया, तो इस तरीके से आपको नहीं जोड़ना है। इसमें क्या करना है, हमारे जब आपको पता लग गया ये फेस वोल्टेज है, अब हमको लाइन वोल्टेज निकालने हैं, तो लाइन वोल्टेज के लिए सिंपल है दोस्तों, वोल्टेज इजकल टू, यानी कि लाइन वोल्टेज इजकल टू हमारे अंडर रूट थ्री इंटू हमारा जो फेस वोल्टेज था, फेस वोल्टेज जो था, फेस वोल्टेज क्या था, एक फेस का वोल्टेज था 240, अब जब हम 240 यहाँ पे अंडर रूट थ्री हो गया और इंटू 240, यानी फेस वोल्टेज की जगह 240 अंडर रूट थ्री का मान होता है 1.73, ये होता है हमारा लाइन वोल्टेज इक्वल टू, और दोस्तों जब इसको मैं गुना करूंगा तो हमारा 415 के समथिंग आएगा, 415 वोल्टेज। यानी कि अगर किसी कंडीशन में 240 वोल्टेज हमारे फेस वोल्टेज है तो उस टाइम हमारा जो लाइन वोल्टेज होगा वो होगा 415। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में आप समझ पाए होंगे कि आगे 660 वोल्टेज क्यों नहीं होता हमारी इलेक्ट्रिसिटी में, थ्री फेज में क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमारे फेस के बीच में जो होता है वो 120 डिग्री का एंगल होता है। आप यहां पे सही तरीके से देख नहीं पा रहे, इसलिए मैंने फिक्स सीक्वेंस का एक डायग्राम बनाया था। इसी तरीके से जब आप देखोगे ना फेस सीक्वेंस आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको किसी इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा, और उसके बीच में 120 डिग्री का एंगल आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो भी चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।